चलिए सो अब हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड वे व्हेन जेट स्ट्राइक वन टिप टेंजेंशियली एंड लीव इट अदर एंड, मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल हमारा ब्लेड है उसके वन टिप पे हमारा जो है वो जेट स्ट्राइक कर रहा है और अदर एंड पे निकल रहा है। तो इसके पहले भी स्टेशनरी वाले में देखे हुए हैं। देखिए ये जो डायग्राम होने वाला है जब हम लोग टर्बाइन पढ़ेंगे पंप पढ़ेंगे सेम एज इट इज डायग्राम आने वाला है, इसलिए इसको आप समझ लीजिए तो आपका टर्बाइन वाला पोर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब आधा पोर्शन आप टर्बाइन का कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं वो आपका मतलब ऐसे ही था, वो यूज नहीं आने वाला है, वो बस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन रियल प्रैक्टिकल आप कंप्रेसर पढ़ेंगे, आगे जाके कंप्रेसर पढ़ेंगे, टर्बाइन पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे, किसी भी टाइप का अगर रोटरी कंपोनेंट पढ़ेंगे तो इसी टाइप का डायग्राम आपको काम आने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ये एक कॉर्ड प्लेट है, या इसको वेन भी बोला जाता है, प्लेट भी बोला जाता है, ब्लेड भी बोला जाता है, क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा नोजल है वो अल्फा एंगल पे, नोजल से अल्फा एंगल पे V1 वेलोसिटी से हमारा जेट जो निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनलेट और आउटलेट आने वाला है, इसलिए इनलेट को 1 से शो करेंगे और आउटलेट को 2 से शो करेंगे। तो V1 वेलोसिटी से मान लेते हैं कि जेट जो है वो अल्फा एंगल बनाते हुए यहाँ से निकल रहा है, क्लियर है। और ये जो प्लेट है ऑलरेडी यू वेलोसिटी से आगे मूव हुआ है, तो देखिए यू वेलोसिटी से ये आगे ऑलरेडी मूव हुआ है, मतलब VR1 मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। तो अब V1 से ये नोजल गया है यहाँ पे, लेकिन U वेलोसिटी से ऑलरेडी हमारा ये जो ब्लेड है वो X डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो मतलब वो वेलोसिटी जिसके मतलब कि वो किस वेलोसिटी से हमारा जो जेट है वो हमारे ब्लेड पे टकराएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब VR1। और 1 का मतलब क्या कि इनलेट पे, तो इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, VR1 होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है। तो मतलब V1 क्या हो गया, V1 को एक्चुअली बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और जहां भी टर्म 1 आ जाएगा मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब क्या कि जो जेट से हमारा जो जिस वेलोसिटी से हमारा नोजल से जिस वेलोसिटी से जेट हमारा बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये हमारा V1 क्या हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गया, जो कि नोजल से अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जो ब्लेड है ऑलरेडी यू वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव हो चुका है, तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे हमारा क्या हो जाएगा, VR1 हो जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा। और यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है VF1, VF1 को बोला जाता है फ्लो वेलोसिटी, और 1 आ गया मतलब क्या कि फ्लो वेलोसिटी एट द इनलेट, क्लियर है। और यहाँ पे एक और टर्म आया है VW1, इसको बोला जाता है वर्ल वेलोसिटी, वर्ल वेलोसिटी मतलब क्या कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको वर्ल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसी वेलोसिटी से जो हमारा जो वाटर है वो ब्लेड के ऊपर में वर्ल मतलब कि घूमता है, यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लेड को रोटेट करने के लिए, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे भी मतलब आप अगर एग्जाम कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको ये डायग्राम को रट लेना पड़ेगा, दिमाग में एकदम पूरी तरीके से बैठा लेना पड़ेगा कि इनलेट डायग्राम ऐसा होता है, आउटलेट डायग्राम ऐसा होता है, क्लियर है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रट लीजिए, बार बार बना के एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का हम लोग यहाँ पे एक सुंदर व्यू बनाए हुए हैं इनलेट पे, देखिए ये ब्लेड है तो V1 वेलोसिटी से नोजल से हमारा निकल रहा है, और ये 1 मतलब क्या, 1 को बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि वो वेलोसिटी जिससे जिस मतलब उस वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमारा जेट जो है वो नोजल से बाहर निकलेगा, प्लस ये कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, क्लियर है। मतलब नोजल को हम अल्फा एंगल पर रखे हुए हॉरिजॉन्टल से जेट को इशू करने के लिए, और ये यू वेलोसिटी से ऑलरेडी ब्लेड आगे मूव कर दिया है, तो ये VR1 जो कि एक रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारा जो जेट है वो रियल में ब्लेड के ऊपर में टकराएगा, और VF1 मतलब कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कि कितना फ्लो हुआ हमारे ब्लेड के अंदर में उसको हम लोग VF1 से शो करते हैं।
और इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लेड को रोटेट करने के लिए, जिसको कि वर्ल वेलोसिटी बोला जाता है, जिसको कि हमने V1 से डिनोट किया हुआ है। तो V1 हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट हो गया। U क्या हो गया, वेन वेलोसिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड वेलोसिटी। अल्फा क्या हो गया, एग्जिट एंगल ऑफ नोजल, कि किस एंगल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो नोजल जो है वो इशू कर रहा है जेट को। थीटा क्या होता है, वो इनलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, ये जो थीटा होता है वो इनलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड इसको बोलते हैं, ठीक है। बीटा क्या होता है, तो वो तो अभी बीटा आने वाला है। VR1 क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। VW1 क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट। VF1 क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। तो इनलेट वेलोसिटी, अगर आपको ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 से नोजल से जेट इशू होगा, जो कि अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना मतलब कि रहेगा, उसको अल्फा एंगल पर रखा जाता है, और यू वेलोसिटी से जेट आगे मूव करेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी से हमारा जो जेट जो टकराएगा, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, इसी थीटा को बोला जाता है एक्चुअली इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड, क्लियर है। VW1 वर्ल्ड वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ V1, VF1 भी बोल सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी को फ्लो वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये आपका इनलेट वेलोसिटी क्लियर हो गया। अब देखिए, जब ये आगे बाहर की तरफ निकलेगा, तो मान लेते हैं कि V2 वेलोसिटी से वो बाहर निकल रहा है, तो V2 मतलब क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट द आउटलेट, मतलब कि किस वेलोसिटी से जेट जो है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी यू वेलोसिटी से आगे इधर मूव किया रहेगा, तो हमें एक रिलेटिव वेलोसिटी भी आउटलेट पर मिलेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे VR2। VR2 क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ये आउटलेट हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो फाई एंगल रहेगा, इस फाई एंगल को बोला जाता है आउटलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, मतलब ये जो मूविंग ब्लेड है वो कितना आउटलेट पे एंगल बना रहा है, उसको यहाँ पे फाई से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो मूविंग ब्लेड है वो हमेशा किससे एंगल बनाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी से एंगल बनाएगा, क्लियर है। और अल्फा क्या हो जाएगा, जिसको कि नोजल एंगल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे एग्जिट एंगल ऑफ नोजल या केवल नोजल एंगल भी बोला जाता है, क्लियर है। और बीटा को बोला जाता है कि एंगल एट विच जेट लीव द वेन, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है, नोजल एंगल एट इनलेट, नोजल एंगल एट आउटलेट, और अल्फा इनलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, आउटलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, और अल्फा को बोला जाता है नोजल एंगल, और जो बीटा होता है वो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है वो कितना एंगल बना रहा है बाहर निकलते समय, वो एंगल को बताया जाता है। अब वही सेम, अगर ये जो V2 है जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करें, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, वर्ल वेलोसिटी। तो V1 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V2 क्या हो जाएगा, वर्ल वेलोसिटी, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी एट द आउटलेट। तो उसको हम लोग V1 और V2 से डिनोट करेंगे, क्लियर है। उसी को हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, यहाँ से जो जेट से जो जेट लिव करेगा, VR2 से लिव करेगा, यू वेलोसिटी से आगे मूव किया तो V2। और इसका एक और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे देखिए VR1 इक्वल टू क्या होगा, V1 वेलोसिटी से आगे मूव किया माइनस U1 वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनलेट एंगल हो गया, ये आउटलेट एंगल हो गया, फाई एंगल हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी से जो भी एंगल बनाएगा वो हमेशा मूविंग ब्लेड का एंगल होगा, अगर वो इनलेट पे है तो इनलेट मूविंग ब्लेड एंगल, आउटलेट पे है तो आउटलेट मूविंग ब्लेड एंगल। बीटा हम लोग ऑलरेडी बता दिया कि एब्सोल्यूट की जितना बनाएगा, VW1 मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वर्ल वेलोसिटी बोला जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट को फ्लो वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मास फ्लो रेट क्या होगा। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव जैसे वहां पे क्या हो रहा था फ्लैट प्लेट के केस में, कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जेट जो है वो यू वेलोसिटी से आ रहा था, और ये ऑलरेडी प्लेट जो है यू वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा था और वी वेलोसिटी से जेट आ रहा था, तो दोनों के बीच में हम लोग मास फ्लो रेट क्या लगता है, रो ए वी माइनस यू, और ये वी माइनस यू एक्चुअली क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ही था ना, किस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट जो है इस पे टकरा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मास फ्लो रेट रो ए वी डब्ल्यू वन, मतलब कि किस रेट से हमारा जो जेट है वो
इस ब्लेड पे टकरा रहा है, तो हमारा मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, रो ए इंटू वी आर वन रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो मास फ्लो रेट जो कि हमने यहां पे लिखा है प्लस इनलेट वेलोसिटी कितना है और आउटलेट वेलोसिटी कितना है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो एक्स इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू वन हो जाएगा, और ये जो वी टू है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू टू हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू वन वर्ल वेलोसिटी माइनस वर्ल वेलोसिटी है इनलेट माइनस वर्ल वेलोसिटी है आउटलेट, क्लियर है। अब ये जो एंगल, ये जो वेक्टर साइन लिखा हुआ है उसका साइन डिपेंड करता है ये बीटा एंगल पे, ये जो बीटा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू माइनस वी डब्ल्यू टू हो जाती है, मतलब वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। और अगर यही बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से जब ज्यादा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तब उस केस में वी डब्ल्यू टू क्या हो जाता है कि जेड के डायरेक्शन में हो जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब बीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये जो बीटा की वैल्यू 90 से कम होगा तो वी डब्ल्यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू के बराबर हो जाएगा, और जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारा डायग्राम हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये हो जाता है हमारा वी आर टू, और ठीक है, और ये हमारा हो जाता है यू टू, और ये वाला एंगल जो हो गया वो हमारा बीटा हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा वी डब्ल्यू टू। तो अभी देखिए अगर हम डिस्कस करें तो अभी हमारा जेड इस डायरेक्शन में ही शो कर रहा था, और ये हमें किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। लेकिन जब यही इस तरीके से इतना एंगल ए बना लेगा, 90 डिग्री से ज्यादा बना देगा, तो अब ये एक साइन से इधर मिल रहा है, ये जो वी डब्ल्यू टू यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्स के इस डायरेक्शन में मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए जब बीटा की वैल्यू लेस देन 90 होता है तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हो जाती है माइनस वी डब्ल्यू टू, और जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हो जाती है वी डब्ल्यू टू। आप चाहें तो आप इसको याद भी रख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा कंफ्यूज अभी नहीं करना चाहता हूँ, जब वहां पे आएगा तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जितना काम का है उतना ही देखते हैं। तो कुछ चीजें अगर हमें याद रखने में सहूलियत होती है तो याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करेगा बीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम डॉट इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। प्लस कब होगा, जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेस देन 90 होगा, और माइनस कब हो जाएगा, जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें फोर्स मिल गया तो वर्कडन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, देन अगेन यू से मल्टीप्लाई कर देंगे कि किस वेलोसिटी से हमारा ब्लेड आगे मूव कर रहा है। तो वर्कडन हमारा क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट कितना है, रो ए वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। प्लस साइन हमने ऑलरेडी बताया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा हो गया वर्क डन इसके लिए सिंगल ब्लेड के लिए, ठीक है। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी। तो वर्क डन तो ऑलरेडी हमने निकाला है, इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगा नोजल के इनपुट पे, तो वर्क बाई हाफ मास फ्लो रेट। तो रो ए वी वन, वी वन वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ये मास फ्लो रेट हो जाएगा इंटू वी वन स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा टू वी आर वन इन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइडेड बाई वी वन का पावर थ्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स की वैल्यू जो कि इम्पोर्टेंट है, ये हो गया हमारा वर्क डन की वैल्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये हो गया हमारा इफिशियंसी की वैल्यू, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये तीन चीज हमने डिस्कस किया, बट रियल में एक ब्लेड तो लगा हुआ नहीं रहता है, नंबर ऑफ ब्लेड लगा हुआ रहता है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है कि मास फ्लो रेट ये वी डब्ल्यू वन आर वन की जगह में क्या हो जाता है, वी वन हो जाता है। क्यों वी वन हो जाता है, क्योंकि एक प्लेट लिया फिर दूसरा प्लेट, मतलब जितना भी जेड से हमारा इश्यू होगा वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत केसेस में वो समझाते हुए आ रहा है। तो जब सीरीज ऑफ कर्व ब्लेड लगेगा तो उस केस में मास फ्लो रेट रो ए वी वन हो जाएगा। तो जब उस केस में तो ये जो एम के वैल्यू है उसके जगह में हम क्या लिख देते हैं, रो ए वी वन लिख देंगे। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, रो ए वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू, मतलब ये वी आर वन के जगह में वी वन आ जाएगा अगर नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा लगे रहेंगे तो। और एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वी वन रहेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो
आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि जब नंबर ऑफ ब्लेड जब बहुत सारे सीरीज ऑफ कर्व ब्लेड लगेंगे तब हमें वर्ग रन क्या मिलेगा, या ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यही चेंज हो जाएगा। तो इसको रख के और ये वाला बात हुआ तो यहाँ पे आप रख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो भी याद आएगा। तो देखिए आप क्या करिए, इस वाले लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिए कि ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, किसको क्या क्या बोला जाता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए और ये जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है और वो हमें क्लियर होना चाहिए। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वर्क डन कितना आएगा, इसको बल्कि याद रख लीजिए आप, ठीक है। और इफिशियंसी क्या होता है ये याद रख लीजिए, इतना फिर सफिशियंट रहेगा, फिर जब हम लोग टर्बाइन पढ़ेंगे तो हमारा वर्क बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।